भरा पार दो। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके अगले सबक को लेकर, क्लास पंजम, सबक नंबर दो, सफ़ा नंबर सिक्स। आज हम पढ़ेंगे मक्स, यानी सही जवाब पर सही का निशान। क्या पढ़ेंगे? सही जवाब पर सही का निशान। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर मक्का से कहाँ जाने के इरादा से निकले। अब तीन ऑप्शन है, तीनों में आपको जो सही लगेगा वो आपको भरना है। इस खाली जगह में निशान भरना है। क्या करना है? निशान में जैसे कि यमन, मदीना, जद्दा। अब इन तीनों से जो सही आपको लगेगा वही आप लिखेंगे। तो कहाँ जाना है उनको? मदीना। कहाँ जाना है? मदीना के जानिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आने वाले का क्या नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आने वाले का क्या नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आने वाले का नाम शराका था। आप शराका पर निशान लगाएंगे। नंबर तीन, हुजूर की पेश गोई किसके दौरे खिलाफत में पूरी हुई? हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इन तीनों में से कौन थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेश गोई खिदमत दौरे खिलाफत में पूरी हुई। खाली जगह भरें। क्या है? इनाम के लालच में बहुत से काफिर, ये खाली जगह है आपको भरना है। कहाँ से भरेंगे? इनाम के लालच में बहुत से काफिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। तलाश माने खोज में। नंबर दो, उसके पास एक, खाली जगह है इसमें भरना है आपको, तो उसके पास एक घोड़ा था जो बहुत तेज दौड़ता था। नंबर तीन, ये सोचकर वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और मदीने की जानिब चल दिया। उनके सराका समझ गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी को गिरफ्तार करना मुश्किल काम है। खाली जगह में आपको भरना है, गिरफ्तार करना मुश्किल है काम है। अब आप देखिए दर्जा ज़ैल सवालतों के जवाब, दर्जा ज़ैल सवालतों के जवाब जवाब दे दिए। शराका क्या है? शराका, देखिए आप लोग सवाल, सवाल में है, काफिरों ने मोहम्मद और अबू बकर रज़ियल्लाहु को पकड़ कर लाने का इनाम रखा। क्या इनाम रखा? इनाम रखा, जवाब नंबर देखिए आप लोग नीचे देखते जाइए, गौर से देखिए इसको, गौर से देखिए क्या है जवाब। काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु को पकड़ कर लाने के लिए 100 ऊँट इनाम रखा। क्या रखा? 100 ऊँट इनाम रखा। नंबर दो, सवाल नंबर दो, शराका के देखने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु से क्या फरमाया? क्या फरमाया? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह तआला हमारे साथ हैं। क्या बोले? ये अल्लाह तआला हमारे साथ हैं। सवाल नंबर तीन, जब सराका उनके बिल्कुल करीब आ पहुंचा तो उसके घोड़े के साथ क्या हादसा हुआ? उसके घोड़े के साथ क्या हादसा हुआ? जवाब नंबर, जब सराका उनके करीब पहुंचा तो सराका के घोड़े के चारों पैर पेट जमीन के अंदर धस गए। क्या हो गए? धस गए। सवाल नंबर फोर, शराका क्या है? सवाल नंबर फोर में है, शराका जब सराका उनके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसके घोड़े के साथ क्या हादसा हुआ? उसके घोड़े के साथ क्या हादसा हुआ? उसके सवाल नंबर जवाब, हज़रत उमर घोड़े जब सराका उनके करीब पहुंचा तो सराका के घोड़े के चारों पैर ज़मीन के अंदर धस गए। सवाल नंबर चार, हज़रत उमर ने नौशेरवा के कंगन किनके हाथों में पहनाया? सवाल नंबर चार, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने नौशेरवा के कंगन किनके हाथों में पहनाए? जवाब, हज़रत उमर ने नौशेरवा के कंगन सराका के हाथों में पहना दिया। किनके हाथों में पहना दिया? नौशेरवा के हाथों में पहना दिया। इसी के साथ आज हम अपने सबक को ख़त्म कर रहे हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।